पच्चीस तारीख तो को सर अभी तारीख को बीपीएससी का एग्जाम डेट आ गया सर ऑप्शनल का तैयारी करना है मुख्यमंत्री ऐसी हम लोग सुबह आठ बजे से ट्राई कर रहे थे की मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए परंतु सचिव साहब और अन्य अधिकारियों से बात हुई संजय जहा मंत्री जी से भी बात हुई परंतु मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद के साथ अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी था कमीशन ने कहा छह लाख बच्चों के लिए परीक्षा कराएंगे ढाई सौ बच्चों को उनका ध्यान नहीं देना है अभी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार उन्होंने कहा अभी अभी उन्हें पता चली है कि परीक्षा इक्कीस को है

नोटिस निकाला गया है बीपीएससी के द्वारा कि जो एग्ज़ाम जो है वो कंफर्म निकाल दिया गया है कि 21 नौ 2022 बुधवार को ही होगी और इसके पी इस नोटिस का सच्चाई हम बताएंगे कि इस नोटिस को निकालने की सच्चाई क्या है और इसके संबंध में जब ये बात पता चली तो नीतीश कुमार जी का क्या कहना है उसका भी जो वीडियो है क्योंकि यूपीएससी के जो छात्र थे वो दिल्ली में नीतीश कुमार का दौरा था तब उन्होंने बात की नीतीश कुमार से तो उसका भी जो वीडियो है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा आप लोग देखिएगा कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है तो ये जो सच्चाई है और क्या गेम चल रहा है बीपीएससी की तरफ से ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बार बार अपने ही बातों को बार बार बरगलाया बर जा रहा है और बार बार उसको झूठा साबित किया जा रहा है खुद के बात को यानी कि एक तरह से ये चीज़ देख सकते हैं क्लियरली साफ साफ कि जो बीपीएससी का चेयरमैन है वो बहुत भ्रष्ट तरीके से छात्रों को उलझा रहा है और उसे बार बार धोखा दे रहा वो कैसे धोखा दे रहा है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे और आगे इस नोटिस का क्या हो सकता है वो बहुत जल्द उसकी जो एक खबर है वो भी हम इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो बीपीएससी का जो ये नोटिस निकाला गया है ये जब नीतीश कुमार बिहार में नहीं है तब ये ये नोटिस निकाल दिया गया है इक्कीस नौ दो हज़ार बाईस को एग्ज़ाम होगा और जो <coughs> मीटिंग हुआ था नीतीश कुमार के साथ भी तो वो केवल मीटिंग हुआ था इन्होंने बहुत चलाकी से ये नहीं बताया था नीतीश कुमार के साथ जब मीटिंग्स था तो वहाँ पे ये अलाउ किया गया था कि जो डेट है यूपीएससी का उसके बीच में नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है इसमें जो है इसमें सरकार का नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का इसमें कोई भी आ, हाथ नहीं है ये बस केवल चेयरमैन के द्वारा ये किया गया है ठीक है इसमें जो है नीतीश कुमार को भी नहीं पता था कि बी जो है वो बी के डेट के जो एग्ज़ाम है उसके भीतर ही ये भी एग्ज़ाम करवाएगा तो ये बीच में रख दिया है अब इससे जो है क्या असर होगा तो ये आप लोग देख सकते हैं 21 नौ को एग्ज़ाम होने के बाद छात्रों पर क्या क्या असर होगा और कैसे जो है अतुल प्रसाद जो है अपने ही बातों में अपने ही जो खुद कही गई बातों में छात्रों को धोखा दे रहे हैं वो भी देखें देखिए इक्कीस नौ को इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम होगा ठीक है अब देखिए इक्कीस नौ को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इससे पहले जो अतुल कुमार जो थे अतुल प्रसाद वो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि जो आठ मई को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था अब जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत बदलावों के साथ होगा ताकि इस बार जो है कोई कसर न छूटे इसके लिए इन्होंने पहले निकाला था कि 20 से 22 सितंबर दो दिन में होगा परसेंटाइल मेथड होगा वो सब इन्होंने निकाला था तो ये सब जो आंदोलन के वजह से ये ख़त्म कर दिया उसके बाद जो इन्होंने बोला था कि इस बार जो प्रश्न पत्र वगैरह जो स्कैन हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटर मिल जाते हैं जहाँ पर धांधली होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है तो वो सब सिस्टम हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने उसके लिए कहा था कि स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र तो आयोग के अध्यक्ष बताए थे कि आयोग जो प्रश्न पत्र होगा वो आयोग प्रश्न पत्र स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजेगा इनमें जीपीएस लगा होगा और कोई बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को मिल जाएगी ये सब जो थी बड़ी बड़ी बातें ये डींगे हाँकी गई थी कि इस बार का जो सिक्सटी सेवेंथ बीपीएससी का एग्जाम होगा और ये सब इसीलिए किया गया था और ये सब सिक्सटी सेवन्थ बी के लिए ही किया गया था बदलाव ताकि छात्र को जो है इस बार पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो लेकिन ये सब कही न कहीं ना कहीं धोखा था छात्रों को अंधेरे में रखने का ये कोशिश था अतुल प्रसाद को और इनका जो गेम था वो अंदर अंदर चल रहा है क्योंकि जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ आठ मई वाला तो इसमें करीब करीब अरबों रुपए जो है फंसे हुए हैं बहुत लोगों का जो सेटिंग किए हुए हैं और शायद में भी ये पूरी चांस है कि चेयरमैन पे बहुत दबाव है क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी नेता का पैसा इसमें फंसा हुआ है जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो तो ये चीज़ था अगर इस तरह से ये सारे सिस्टम लागू कर दिए जाते सिक्सटी सेवन बी में तो संभव है कि जो सेटिंग था वो रुकता कुछ हद तक कम होता लेकिन आप चूंकि ये किस को ही करवाएगा और आप लोगों को मैंने ये टेंडर दिखाया है यहाँ पर आप लोग को मैंने एक टेंडर दिखाया था इससे पहले टेंडर में यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि स्टील बॉक्स की आपूर्ति हेतु यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो है ये निकाला गया है टेंडर ठीक है और इसकी जो सबमिशन डेट है यानी कि देखिए पंद्रह तक आप यहाँ पे पंद्रह तक जो है पंद्रह नौ दो हज़ार बाईस तक यहाँ पे आपका जो है निविदा खुलेगा और जिसको अलॉट होगा उसको फिर दस दिन के अंदर प्रोवाइड करना है यानी कि पंद्रह प्लस दस यानी पच्चीस सितंबर तक जो है स्टील बॉक्स प्रोवाइड करवाना था लेकिन अब चूंकि स्टील बॉक्स प्रोवाइड 25 सितंबर तक करवाना था और एग्ज़ाम आपका 21 सितंबर को ही होगा यानी कि अब जो है वो सब स्टील बॉक्स वगैरह अब कुछ नहीं होगा ठीक है अब जो पहले की तरह जो क्वेश्चन आते थे सील टूटा हुआ सील कुछ में सील पैक कुछ में सील टूटा हुआ अब वो सारा कुछ जो पहले जो सिस्टम था कि उसी तरह सिस्टम से अब जो है एग्ज़ाम 21 तारीख को लिया जाएगा और जो भी जो डाउट था कि स्कैन हो जाता है क्वेश्चन पेपर नौ बजे दस बजे ही तो वो सब अब इसमें भी पूरा चांस है कि पूरी जो है वो फिर से स्कैन होगी और जो पैसा जिनका डूबा हुआ लगा हुआ था फंसा हुआ था वो अब इसमें आसानी से फिर से धांधली कर सकते हैं और इस मैटर पे जब बात हुआ नीतीश कुमार से तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो बात हुई थी वो यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकला है जब यू के छात्रों ने नीतीश कुमार को रोका तो वहाँ पर इन्होंने कहा और जब दिल्ली में नीतीश कुमार थे कल तो यूपीएससी के छात्र जो थे सॉरी आज यूपीएससी के जो छात्र थे और बिहार से संबंधित संबंध थे तो उन्होंने आज नीतीश कुमार को बताया ये सब बात और नीतीश कुमार उनसे मिले और नीतीश कुमार का साफ कहना था ठीक है कि ये बात उन्हें भी नहीं पता है कि बीपीएससी ने यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच में ही डेट रख दिया है और वो भी ये सुनकर अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कोई बीपीएससी जो है वो यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के दौरान ही मतलब बीच में ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे ताकि जो छात्र जो यू यू जो मेन्स देने वाले हैं उनको दिक्कत हो क्योंकि हर जो है जब टॉप करता है जब शुभम कुमार वगैरह जब बिहार का टॉप करता है तो बिहार की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो सुर्खियाँ रहती हैं और सरकार जो है प्रोत्साहन करती है कि जो छात्र हैं जो यू निकाले और इस वजह से वो भी अचंभित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो यूपीएससी के जो छात्र जो मेंस देने वाले हैं उनको इस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है हरास किया जा रहा है ठीक है ये साफ साफ ये बीपीएससी के द्वारा ही किया जा रहा है ना कि सरकार के द्वारा ठीक है तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैं पटना जाता हूँ यानी कि आज वो पटना निकलेंगे दिल्ली से तो जैसे ही वो पटना जाते हैं तो ये बीपीएससी चेयरमैन से मिलकर के ये बात वो करेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया है अब वहाँ जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन जो आश्वासन दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि जो आप लोग यू जो मेन्स है वो अच्छे से दीजिए पढ़ाई कीजिए यू पी पहले दीजिए और स्वतंत्र माइंड से दीजिए ठीक है फ्री होकर के दीजिए यू पी बाकी हम जो हैं वो पटना जा करके हम बी पी एस सी चेयरमैन से मिल करके हम ये पूछेंगे कि इन्होंने ये ऐसा क्यों किया जबकि ये कोई भी जो स्टेट पी सी एस का एग्ज़ाम है कोई भी जो है वो यूपीएससी के बीच में कोई भी अपना एग्ज़ाम वो नहीं रखता है स्टेट पी तो ये जो आश्वासन है आप लोग को मैं वीडियो यहाँ पर दिखवा देता हूँ कि इन्होंने क्या कह रहे हैं जब नीतीश कुमार मिले हैं तो ये वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए लेकिन मैं एक बार इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो है 100 परसेंट इक्कीस नौ दो को लेकर के चलिए क्योंकि बीपीएससी का जो है वो साफ साफ कह दिया है कि जो मेरा जो प्रायोरिटी है वो केवल और केवल बीपीएससी के छात्रों का है मुझे यूपीएससी के छात्रों से कोई लेना देना नहीं है तो बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो साफ़ मना कर दिया है उनका साफ कहना है कि आप लोग यू चाहे दें चाहे नहीं दें मैं जो बी का एग्ज़ाम है मैं उसी को लेकर के चलूँगा और वो चाहे आपका यू के बीच में आए चाहे जहाँ आए मैं बी का एग्ज़ाम जो है वो 21 नौ को ही अब करवा के रहूँगा और ये साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी धांधली होगी फिर से इस बार क्योंकि सारा जो रूल बनाया गया था धांधली को रोकने के लिए वो इस बार फिर से सब खत्म कर दिया गया सब समाप्त करके 21 तारीख को यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है यानी कि फिर से जो है बड़े स्तर पर फिर से इसका क्वेश्चन जो है वो सुबह का नौ दस बजते बजते सारे को स्कैन करके लीक कर दिया जाएगा और उसके बाद जो जितने का पैसा फंसा हुआ था वो सारे कुछ अपने फिर से इस सेटिंग से वो पहले जैसा जो है उसी तरह से एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा क्योंकि जो सेंटर है हड़बड़ी में जो है वो वैसे वैसे सेंटर को भी ले लिया गया है जहाँ से पूरी कोई सुविधा नहीं है और वहाँ से लीक होने की पूरी संभावना है और ये शायद मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा गेम यहाँ पे खेला जा रहा है आप लोग को भी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तो चलिए यहाँ पे यूपीएससी के छात्र जब नीतीश कुमार से मिले तो देखिए उन लोगों का क्या कहना था नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन था आप लोग भी गौर से इस वीडियो को सुने परीक्षा कर रहे थे आठ बजे से परंतु प्रतीक्षा सफल हुई मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें ये पता नहीं था कि डेट जो है इक्कीस तारीख का अनाउंस हो चुका तो अभी अभी हम छात्रों के द्वारा एप्लीकेशन जो सबमिट किया गया

और जैसे ही मैं पटना लैंड होता हूँ मैं सबसे पहले जाके बी चेयरमैन से इस संबंध में बात करूँगा लेकिन अब चूँकि नेता है तो नेता का कहना और करना कितना अंतर है वो आप सभी जानते हैं अब ये जा करके पता ही चलेगा जब नीतीश कुमार जाएंगे अब कल या एक दो दिन चौदह को आपका एडमिट कार्ड बोला गया है कि चौदह को एडमिट कार्ड आएगा तो हो सकता है उससे पहले अगर कुछ बड़ा अपडेट आ, आ सके तो आ जाए नहीं तो हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग कि वीडियो कुछ भी मैं बनाऊँ या और भी लोग कुछ भी बनाए ज्यादा आशावादी अभी मत रहिए आप लोग 21 को जो है मान कर चलिए कि एग्जाम हो सकता है और यहाँ पे साफ एक चीज पता चल रहा है कि ये सभी चीज जो हो रहे हैं वो केवल और केवल एक आदमी के कारण इतना परेशानी हो रहा है और वो है आपका बीपीएससी के चेयरमैन के अड़ियल रवैये के कारण वरना इसमें कोई दोहराया नहीं था 26 कर देते 27 एग्जाम कर देते लेकिन 21 को ही क्यों किया जा रहा है ये समझ से परे है ठीक है ये चीज़ अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आखिर बीपीएससी के मू पी के मध्य में ही एग्ज़ाम करवाने की क्या ज़रूरत है मान लीजिए 25 को यू का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है आप 26 को करवा सकते थे 27 को करवा देते 28 को करवा देते लेकिन 21 सितंबर वाला कुछ पता नहीं चल रहा है और इसके मध्य जो ये बात यही इसकी चल रही है कि इसमें बहुत बड़ी लेवल पे इसमें सेटिंग चल रही है अभी से ही ठीक है तो यही वजह है कि बहुत बड़ी धांधली होने वाली है इस बार फिर से और अगर छात्र इस बार एकजुट नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि इस बार भी जो है बहुत सारे जो मेरिट वाले छात्र हैं वो इस बार भी छटेंगे तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और जैसे ही नीतीश कुमार पटना में लैंड होकर बीपीएससी चेयरमैन से बात करते हैं और अगर कोई प्रेस नोट आता है तो उसका मैं वीडियो जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूँगा इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन मंगलमय हो धन्यवाद